वो महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि किसी के बस में ही नहीं रहा। पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस इज गेटिंग वर्स। द कंट्री इज फेसिंग सोरिंग इन्फ्लेशन, डेंजरसली लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड अ पोटेंशियल डिफॉल्ट ऑन इट्स फॉरेन डेट। Because the government in Pakistan is planning to close markets, restaurants and wedding halls earlier than usual business hours. तो दोस्तों, आज के समय में पाकिस्तान के हालात इतने ज्यादा खराब हो रखे हैं कि वहाँ आटा, दूध, जरूरी खाने पीने की चीजों के लिए लोग लड़ाई कर रहे हैं। हर चीज के जो दाम है वो आसमान छू रहा है। बिजली की शॉर्टेज है, वो मुहावरा तो आपने सुना होगा, गरीबी में आटा गीला। तो वही सिचुएशन अभी जो पाकिस्तान में चल रही है। डूब रखा भैया पाकिस्तान, नेचर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पाकिस्तान में चारों तरफ से मुसीबतें आ रखी है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी कैसे बिगड़ गई, उसको जानने के लिए थोड़ा सा हमें टाइम में जो है पीछे जाना पड़ेगा। '47 में इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के बाद एग्रीमेंट के अनुसार पाकिस्तान को इंडिया का रेवेन्यू का 70% और मिलिट्री का 35% जो है हिस्सा दिया गया। पाकिस्तान की करेंसी की कीमत उस समय डॉलर के मुकाबले 3 रुपए थी और पॉपुलेशन भी करीब 4 करोड़ के आसपास थी। जबकि टाइम में पाकिस्तान भी रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम को फेस कर रहा था, लेकिन उसको इंडिया से कुछ एडवांटेजेस थी। जैसे पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो इंडिया से कहीं ज्यादा जो है बेहतर था। भागी जमीन जो है उपजाऊ थी। स्टार्टिंग के टाइम में अपने आप को जो है स्टेबल करने की जगह कश्मीर को हासिल करने के लिए इंडिया से युद्ध लड़ा पाकिस्तान ने और उसको जो है हार का सामना करना पड़ा। और दोस्तों, पाकिस्तान की मेन प्रॉब्लम ये भी है कि वहाँ पे कभी जो है कोई सरकार लंबे टाइम तक चल नहीं पाती, बार बार सैन्य शासन जो है लग जाता है। आज तक पाकिस्तान की किसी भी पीएम ने अपने 5 ईयर्स जो है कम्प्लीट नहीं करे। या तो कोई सरकार पलट जाती है, या गोली मार के मर्डर कर दिया जाता है, या और कुछ। इस वजह से पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो अनस्टेबल है। अब देखो दोस्तों, आजादी के बाद पाकिस्तान के ऊपर किसी भी तरह का कोई कर्ज नहीं था, लेकिन फिर 1960 के बाद पाकिस्तान के हालात जो है बिगड़ने लगे। इंडिया के साथ उसने जो जंग लड़ी थी उसमें बड़ी बुरी तरह उसको हार मिली और पाकिस्तान की ग्रोथ रेट, उसकी जीडीपी बुरी तरह से नीचे गिर गई। 20% की जो है गिरावट दर्ज की गई। और फिर 1971 पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जिस वजह से उसके हालात जो है और खराब होते चले गए। लेकिन फिर जिया उल हक पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने। उनके टाइम में पाकिस्तान ने काफी तरक्की करी, लेकिन अपने दम पर नहीं, बाहर की कंट्री से लोन लेकर। और IMF का बहुत बड़ा हाथ था इसमें। पाकिस्तान 1950 से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जुड़ चुका था और पाकिस्तान की ज्यादातर पॉलिसीज को IMF जो सपोर्ट कर रहा था। 1958 में उसने IMF से पहली बार 2.5 करोड़ डॉलर का जो कर्ज लिया। उसके बाद तब से वो लगातार जो कर्ज लेता जा रहा है। और अमेरिका से भी उसको 1983 में 3.2 बिलियन डॉलर्स की जो मदद मिली, क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान की हेल्प चाहिए थी अफगान सोवियत वॉर में, जिस वजह से पाकिस्तान ने काफी ग्रोथ करी। लेकिन अब उसके बाद पाकिस्तान ने जो अपनी ऐसी तैसी जो खुद कराई। हर कंट्री अपनी सुरक्षा के लिए सेना पे जो है बजट फिक्स करती है, लेकिन पाकिस्तान ने सेना पे कुछ ज्यादा पैसा खर्च कर दिया। वो पावरफुल तो हो गया, लेकिन उसकी जो जनता है वो गरीबी में है। यही जो मेन वजह है जिसके कारण पाकिस्तान में इतने बुरे हालात है। 1996 आते आते पाकिस्तान का कर्ज 900 बिलियन डॉलर्स को पार कर चुका था। अब पाकिस्तान IMF के सामने लोन के लिए गिड़गिड़ा रहा था, भीख मांग रहा था उससे लोन की। IMF ने लोन के बदले पाकिस्तान को स्ट्रक्चरल चेंज करने की एडवाइस दी। पाकिस्तान ने लोगों पे टैक्स बढ़ा दिया। पाकिस्तान के लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। 1998 में पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट सिर्फ 2.55% ही रह गया। 2010 में बाढ़ आने से पाकिस्तान की इकोनॉमी बुरी तरह से तहस नहस हो गई। उसमें बहुत सी कंट्री से लोन लिया, जैसे अमेरिका, चाइना और भी मुस्लिम कंट्री से। अब पाकिस्तान को रिलीजन के नाम पर मुस्लिम कंट्री से जो लोन मिल जाता है। अब बात करें रिसेंटली सिचुएशन की, तो पाकिस्तान में 25 अगस्त 2022 को स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर करा। रीजन द फ्लड, पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध, आजाद कश्मीर और भी बहुत सी जगह जो है बाढ़ आई। अब ये कोई छोटी मोटी जो है बाढ़ तो आई नहीं थी गाइस, पाकिस्तान की हालत इसने बुरी कर दी। मतलब गाइस लगभग 3.2 ट्रिलियन रुपीस का नुकसान हुआ, 1700 प्लस डेथ हुई, जिस वजह से पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो गई। अब देखो, बाढ़ आने का कारण था भारी बारिश और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान का वो भी बहुत ज्यादा वीक है। बाढ़ की वजह से जितनी भी एसेंशियल चीज थी खाने पीने की, उन सबके जो प्राइस है बहुत ज्यादा बढ़ गए।
पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस भी फेस कर रहा है। जितनी बिजली उसको चाहिए उतनी उसकी जो सप्लाई नहीं हो पा रही है। और एक अनदर रीजन है पाकिस्तान में करप्शन जो बहुत ही ज्यादा है। आतंकवाद भी मेन वजह है पाकिस्तान की ही इस हालत का। अब देखो गाइस इसके बारे में तो हम और दूसरे डिटेल वीडियो में जो बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अब पाकिस्तान को कहीं से भी कोई हेल्प मिल नहीं रही है इस समय। पाकिस्तान ने सिर्फ IMF से जो आस लगा रखी है अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए, और जो पाकिस्तान है वो उसकी शर्तें भी मान लेगा। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को जो वीडियो अच्छा लगा होगा। तो गाइस इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सी चीजें आप सभी को बताई है। I am not professional बट मैं जितना हो सके मैं आप सभी को नॉलेज दूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, उसको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। तो बहुत ही जल्द हम एक और नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।